गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं मैम आज का ऑनलाइन क्लास लेकर रेडी हूँ। जैसा कि आपको पता है कि मेरा जो क्लासेस है नैन टेक्निकल अड्डा पे, वो चल रहा है पूरा बेसिक क्लास। जिनको नहीं पता था रेजिस्टेंस कनेक्शन ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है उसके बारे में, तो जो दोनों वीडियो मैंने प्रीवियस वाला बनाया बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है, उसके लिए थैंक यू। और जो आज मेरा क्लास है वो थर्ड क्लास है मेरा रेजिस्टेंस पर ही। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस में मैंने दो बताया था आपको, एक तो सीरीज कनेक्शन बताया था, दूसरा पैरेलल कनेक्शन बताया था। आज जो हमारा जो क्लास होगा वो तीसरा, आपका जो तीसरा टॉपिक उससे रिलेटेड है, सीरीज एंड पैरेलल बोथ कनेक्शन, उसको मैं यहाँ पे बताऊंगी। और जो पहले मैंने दो कंप्लीट किया था कनेक्शन, सीरीज कनेक्शन एंड पैरेलल कनेक्शन, दो उसका दो एग्जांपल, दो आपका न्यूमेरिकल लेके आई हूँ, वो बताऊंगी आपको, ताकि आपका जो है जो भी कॉन्सेप्ट मैंने पहले दो वीडियो में बताया वो आगे क्लियर हो जाए। पहला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन के राइट लेफ्ट साइड में, और ये दूसरा क्वेश्चन है स्क्रीन के राइट साइड में। तो यहाँ पे मैं बताऊंगी आपको फिगर के साथ आपका वोल्टेज ड्रॉप भी निकालना कि किस तरह वोल्टेज ड्रॉप निकल सकता है। मैंने बताया था कि कितने बच्चों को क्लियर नहीं हुआ है वो चीज़ कि वोल्टेज ड्रॉप कैसे निकलेगा, बाकी सारा चीज़ इसको अच्छे से क्लियर हुआ है। सेकेंड यहाँ पे आइए हमारे तरफ कि ये जो फर्स्ट वाला है इसमें मैं सिंपल सा बताऊंगी, यहाँ पे सिंपल सा बताऊंगी आपको कि क्या निकालना है, करंट और रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस निकालना है। और यहाँ पे है मेरा सीरीज पैरेलल कनेक्शन, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा जो क्लास है वो। तो सीरीज एंड पैरेलल कनेक्शन सुनने में कैसा लग रहा है, दोनों कनेक्शन होंगे, बोथ कनेक्शन यहाँ पे दिया है ना, सीरीज एंड पैरेलल, तो कैसे बनेगा कैसे। तो पहले यहाँ पे फिगर देखते हैं कि किस तरह बनेगा। तो पहले जो एक रेजिस्टेंस होगा मेरा इस तरह का होगा, दूसरा रेजिस्टेंस इस तरह का होगा। तो मैंने बताया था आपको कि जब पैरेलल कनेक्शन होता है तो कोई भी जो दो से अधिक रेजिस्टेंस जो है उनका पहला सिरा को शॉर्ट करते हैं और लास्ट वाला सिरा को शॉर्ट करते हैं। और सीरीज में क्या होता है, उनके जो पहला सिरा है रेजिस्टेंस का, वो पहले रेजिस्टेंस का दूसरा सिरा दूसरे वाले रेजिस्टेंस के पहले सिरे से जुड़ा रहता है। तो इसका जो फिगर होगा मेरा डायग्राम कुछ इस तरह तैयार होगा। यहाँ मेरा वोल्टेज सोर्स होगा, यहाँ फिगर देख रहा हो इस टाइप का, ठीक है यहाँ पे। और उसके बाद जब आइए तो यहाँ पे मैं कुछ वैल्यू दे देती हूँ, इसका देती हूँ 220 वोल्ट, यहाँ पे दे देती हूँ 2 ओम है, यहाँ पे 4 ओम है, यहाँ पे 6 ओम, ठीक है इस टाइप का। तो इसमें स्पेशलिटी क्या होती है कि इसमें दोनों टाइप का कनेक्शन पाया जाता है, दोनों टाइप का कनेक्शन। और इसको सॉल्व करने के लिए तरीका यह है कि जब भी इस टाइप का आपको क्वेश्चन मिले तो आप सबसे पहले जो है पैरेलल वाला सॉल्व करें और उसके बाद आप सीरीज वाला जो है कंटेंस सॉल्व करें। तो इसको सॉल्व करने का तरीका मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ किस टाइप का हो सकता है। और पैरेलल के लिए मैं फॉर्मूला बताई थी आपको, एक बार याद होगा, 1/RT = मैंने बताया था 1/R1 + 1/R2 प्लस 1/R3, ये मैंने बताया था आपको, और डॉट डॉट डॉट। तो ये वाला जो फॉर्मूला के साथ एक और फॉर्मूला था, इसमें भी क्या करना पड़ता था, RT निकालने में क्या करना पड़ता था, उलटना पड़ता था मान को, जो भी मान आता था। लेकिन अभी जो मैं फॉर्मूला बताने वाली हूँ आपको, उसमें बदलना नहीं पड़ेगा मान, मतलब टोटल R से टोटल RT ऐसे ही निकल जाएगा। कैसे निकलेगा, R1 × R2 / R1 + R2 से। आप देख रहे हो अच्छे से, पहले वाला जो फॉर्मूला है वो भी सही है मेरा, लेकिन वो क्या है उसमें जो है मान उलटना पड़ता था लास्ट में जो आता था। इसमें क्या होगा, उलटना नहीं पड़ेगा और क्या होगा, डायरेक्टली शॉर्टकट तरीका, शॉर्टकट से ही निकल जाएगा आपका पूरा का पूरा, आपका पूरा का पूरा रेजिस्टेंस। क्लियर है अच्छे से, टोटल रेजिस्टेंस से निकल सकता है। तो आप देखो यहाँ पे एक चीज़ कि इससे निकालना है हमको, तो पता चल चलेगा, मैंने निकाल के दिखाना है यहाँ पे आपको कि पहला है 4 ओम और 6 ओम। मैंने बोला कि इस तरह का कंडीशन जब भी होगा तो क्या होगा, पहले पैरेलल वाला मैं सॉल्व करूँगी। तो इसको ऐसे लिख सकती हूँ, 4 क्या बताया था मैंने, R1 × R2 / R1 + R2, ये बताया था मैंने फॉर्मूला में। तो ये क्या हो जाएगा प्लस में, ये 4 × 6 हो जाएगा बाय 4 + 6 या 6 + 4 जो भी है। तो 6 × 24 बटा 6 × 10, इसका पूरा जो है टोटल रेजिस्टेंस क्या है, 2.4 आया है, 2.4 आया है, ये पूरा मेरा इतना ओम रेजिस्टेंस आ गया। तो अब इसका जो एक तो कितना है टोटल रेजिस्टेंस इसका आया है यहाँ पे, तो अब इसका फिगर जो होगा, ये मेरा पहला फिगर है, ये दूसरा फिगर तैयार हो रहा है क्या, एक तो रेजिस्टेंस मेरा जो है वो रह जाएगा 2 ओम का यहाँ पे, और दूसरा इन दोनों को मिलाकर मैंने एक मान निकाला था क्या, 2.4। तो दूसरा जो रेजिस्टेंस होगा वो होगा मेरा 2.4 ओम का। आप देख रहे हो किस तरह सॉल्व हो रहा है ये। तो अब क्या हो गया, इन दोनों को सॉल्व करके मैंने एक जो है रेजिस्टेंस निकाल लिया कनेक्ट करके, और दूसरा वाला जो सीरीज में, तो ये सीरीज वाला कनेक्शन निकाला है। वापस से इसको क्या करेंगे, वोल्टेज सोर्स से जोड़ देंगे। आप देख रहे हो क्या हो रहा है यहाँ पे क्लियरली। तो सॉल्व करने का तरीका यही है, आपको जो है यही तरीका अपनाना है नेक्स्ट वाले जो अगर
मोशन या न्यूमेरिकल आपको मिलता है, तो इसी तरह आप सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे, दोनों को पहले जो पैरेलल कंडीशन को सॉल्व करेंगे, सेकंड में आपका जो है सीरीज उसके साथ रहेगा। और हमेशा याद रखेंगे स्टूडेंट्स जितने भी हैं सारे गौर से, जब भी आपका जो है रेजिस्टेंस का अगर न्यूमेरिकल आपको सॉल्व करने मिलता है, तो हर एक जो है ना फिगर बाय फिगर सॉल्व करें, ताकि आपको कभी भी ऐसा नहीं लगेगा कि आप गलत कर रहे हो। गलत करोगे भी तो पूरा का पूरा आपको स्टेप जो सुधारना नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आप फिगर ही जब बनाओगे तो वहाँ आधा का आधा मान जो आप लिख चुके होंगे। जैसे यहाँ पर मैंने बनाया कि दोनों को मैंने सॉल्व करके ये लिखा, तो ये कभी गलत होगा क्या? अब जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, ये 4.4 नहीं आएगा। टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा इसके लिए, आर इज इक्वल टू 4.4। ये ओम आ गया इसका आंसर। आप देख रहे हो कितना इजी है, बस एक बार कॉन्सेप्ट समझने का है। कॉन्सेप्ट अगर आप समझ लेते हो तो इजीली आप सॉल्व कर पाओगे। तो मेरा ये वाला जो सीरीज एंड पैरेलल वाला जो कनेक्शन है, आई होप आपको समझ में आया हो। एक से दो बार वीडियो को ज़रूर देखें, और जितने भी स्टूडेंट हैं जो 10th हैं, 11th के हैं, 12th के हैं, सबको शेयर करें, ताकि मेरा जो वीडियोज है बहुत ज़्यादा मतलब पसंद आए और आप लोगों को, ताकि मैं और बना सकूँ इससे रिलेटेड इस तरह का जो है न्यूमेरिकल। और ये वाला जो फॉर्मूला वगैरह, सेकंड पढ़ते हैं हमारा जो न्यूमेरिकल है उस पर। आपके लिए मैंने क्वेश्चन दिया था, कल मैंने बताया था सीरीज एंड पैरेलल, लेकिन क्या हुआ था, मैंने जो उसका क्वेश्चन सॉल्व नहीं कराया। तो मैंने बोला था आपको कि नेक्स्ट वाले क्लास में मैं इससे रिलेटेड जो है क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगी। तो चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन की तरह। यहाँ क्वेश्चन कुछ इस तरह होगा, मैंने ऐसे लिख के रखा है। क्यों? क्योंकि अभी जब एग्जाम में आपको मिले तो आप इस तरह लिख कर रखें, ताकि आपके माइंड में क्लियर हो ये चीज़ कि आपको निकालना क्या है। मैंने आई बराबर वॉट लिखा है, आर टी बराबर वॉट लिखा है, मतलब क्या, इन दोनों को निकालना है। तो मेरा क्वेश्चन जो इस तरह का था कि जो तीन रेजिस्टेंस है जिनका मान जो है 6 ओम है, 8 ओम है, और आपका 6 और 8 ओम दोनों का रेजिस्टेंस है, और जो सप्लाई वोल्टेज है वो 48 वोल्ट है, तो करंट निकाले और टोटल रेजिस्टेंस निकाले। पहले बनाते हैं इसको, ये सीरीज में कनेक्ट किया हुआ, ये पूरा का पूरा सीरीज में, ठीक है। तो सीरीज का पहले बनाते हैं फिगर, इस तरह का हो गया फिगर मेरा। ये दो रेजिस्टेंस आपको दिख रहा है, 6 ओम का, 8 ओम का। ये 6 ओम मैंने ले लिया, ये 8 ओम ले लिया। यहाँ पे वोल्टेज सप्लाई है मेरा कितना, 48 वोल्ट का। आप देख सकते हो जो मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिखी उसी का फिगर ही बन रहा है, ठीक है। ये हो गया फाइन, करंट निकालना है आई बराबर। तो आपको याद होगा ये वाला, बार बार मैं वही जा रही हूँ इसलिए ताकि आपको और अच्छा से क्लियर होता है। ये वाला अगर आपको ट्रैंगल याद है तो आप देखो यहाँ पे दो फिगर है। फॉर्मूला क्या था मेरा, RT = R1 + R2 + ……, जितने आपके पास हो रेजिस्टेंस। देखिए मेरे पास क्या है, दो रेजिस्टेंस है, क्या हो जाएगा यहाँ पे, R1 6 है प्लस 8 है, 6 6 12 2 14, ये 14 8 6 14 जो आपका इतना ओम क्या होगा टोटल रेजिस्टेंस। देखिए आपका RT पूछा गया था यहाँ पे, तो मैं लिख सकती हूँ थोड़ी देर के लिए RT = 14 ओम। आप देखिए वोल्टेज हमको मिल गया है V बराबर 48 वोल्ट निकालना है I। तो I निकालना, तो I को यहाँ पे छिपा दिया, तो क्या हुआ V/R। तो I बराबर हो गया V/R, ये V बटा आर जो है, वी कितना दिया 48 दिया है, और टोटल आर मेरा आया है 14 आया है। अब डिवाइड करिए 48 को, जितना आएगा उतना एम्पियर मेरा करंट होगा। ये क्या है, इतना एम्पियर यहाँ पे शो करेगा, है ना। तो यहाँ से 14 से भाग देते हैं, या फिर 2 से काटते जाते हैं ना, जैसे आपको बताती हूँ, 2 से 14, 2 दो 4, 2 4 8, फिर है 7 21, 7 6 28, नहीं कटेगा तो आप क्या करो पॉइंट में ले लिया 7 21 3 0 7 9 4 28 7 6 28 7 9 14 7 9 14 7 9 14। मतलब आप देखो ये कटने का जो फुल मार्क तो मेरा कटेगा नहीं, तो इसका जो आंसर होगा, यहाँ पे दो चीज़ यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया था, आई बराबर क्या होगा, तो आई बराबर होगा 3.42 एम्पियर, ठीक है। और पूछा गया था आर टी इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे, क्या है मेरा आर टी 14 आर टी बराबर 14। देखिए कितना इजी है, इसके प्रोसेस से भी आप निकाल सकते हो, एकदम स्टेप बाय स्टेप है, बहुत इजी है। आप एक बार कोशिश करोगे डेफिनेटली आपको समझ में आएगा। ये वाला न्यूमेरिकल मेरा इतना इजी था, आपको क्लियर हो गया। ये थोड़ा टफ पड़ेगा, लेकिन टफ इसलिए पड़ेगा क्योंकि मैं पहली बार बता रही हूँ आपको, ठीक है, आपके लिए पहली बार होगा। और जैसे ही आप सेकंड टाइम इसको देखोगे एकदम डेफिनेट 110% श्योर है कि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए इसकी तरफ बढ़ते हैं। ये सारा रेजिस्टेंस क्या था ना, ये सारा का सारा रेजिस्टेंस जो है ये दिया हुआ है, ये क्या क्या है कनेक्ट किया हुआ है आपका, आपके आप
हमें जो वोल्टेज ड्रॉप पूछा गया था सीरीज में यहाँ कनेक्ट किया हुआ, इसको देखते हैं। अच्छा आप अगर देखिए, मैंने यहाँ लिख रखा है इस टाइप का, यहाँ पर कहीं भी शो नहीं किया हुआ कि सीरीज में कि पैरेलल में, लेकिन आपको मैंने ये भी चीज़ बताया था आप क्वेश्चन पकड़ सकते हो कैसे। यहाँ देखिए पूछा गया है ईच रेजिस्टेंस में कितना वोल्टेज ड्रॉप, तो मैंने बताया था कि जब भी सीरीज में कनेक्ट होगा रेजिस्टेंस वही वोल्टेज ड्रॉप होगा, तो वोल्टेज ड्रॉप होगा तो मतलब ये क्या है सीरीज में कनेक्ट। चलिए बनाते हैं इसका जो है डायग्राम। कितना रेजिस्टेंस दिया है, तीन रेजिस्टेंस, चार रेजिस्टेंस दिए, सबका वैल्यू मैंने लिख लेना है यहाँ पे। वोल्टेज दिया है मेरा 200 वोल्ट, आप देख रहे हो इसको कनेक्ट कर दिया मैंने, इस यहाँ पे कोई करंट आई फ्लो करेगा, ठीक है। यहाँ का मान होगा 10 ओम, यहाँ का 15 ओम, यहाँ का 25 और यहाँ का 50 ओम। किसी को दिक्कत यहाँ तक समझने में, यहाँ तक हो गया। अब देखिए इसमें मैंने बताया था कि ये अपना अलग वोल्टेज ड्रॉप देगा, मतलब क्या है इसका कि यहाँ पर कुछ अपना वोल्टेज, मैंने बताया था करंट करने का रास्ता सेम होता है लेकिन वोल्टेज अलग अलग ड्रॉप करेगा। ये V1 किया, ये V2 करेगा, ये V3 करेगा और ये क्या करेगा V4 करेगा, है ना, V4 करेगा V3 के बाद। ये अभी सिर्फ जो है आपका जो डायग्राम तैयार हुआ, सॉल्व कैसे करेंगे, तो फॉर्मूला था मेरा टोटल RT इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 डॉट डॉट डॉट। मेरे पास चार रेजिस्टेंस है यहाँ पर, तो क्या होगा 10 प्लस 15 प्लस 25 प्लस 50 कितना होगा टोटल मिलाकर कितना होगा यहाँ पे, तो देखिए जोड़िए यहाँ पे कितना हो जाएगा 15 10 25 25 25 50 और 50 50 100, मतलब क्या होगा टोटल रेजिस्टेंस मेरा क्या है RT। देखिए मैं कभी भी यूनिट नहीं छोड़ रही हूँ, मैंने बताया था आपको इलेक्ट्रिकल का जितना जो भी आंसर आएगा आप उसके साथ यूनिट जरूर लिखेंगे। ये हो गया पूरा का पूरा यहाँ तक। अब पूछा गया कि ईच रेजिस्टेंस में RT पूछा गया था, मैंने RT निकाल लिया यहाँ पे, RT देखो फाइंड RT, I निकालना है, I बराबर और यहाँ V बराबर दिया है 200 वोल्ट, क्या होगा अब बताइए क्या होगा। I इज़ इक्वल टू क्या होता है यहाँ पे, I इज़ इक्वल टू क्या होता है V/R होता है, V/R होता है, ठीक है। तो V कितना दिया हुआ है 200 वोल्ट, R दिया 100 वोल्ट, कितना करंट आएगा कट के आ जाएगा 2, मतलब क्या है I बराबर 2 एम्पीयर, ठीक है। इस पूरे सर्किट में कितना करंट आ रहा है 2 एम्पीयर बैर, आपको अच्छे से क्लियर हो रहा है ये वाला चीज़। अब देखिए वोल्टेज ड्रॉप निकालना है इस वाला रेजिस्टेंस के लिए, कितना वोल्टेज ड्रॉप है ना, वोल्टेज ड्रॉप मतलब क्या, एक तरह का वोल्टेज, चलिए निकालते हैं। जब निकालेंगे ना तो क्या होगा V इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे IR होता है, IR तो करंट का मेरा सेम यहाँ पे, ये R कितना रेजिस्टेंस देगा तो I1 आपका क्या हो जाएगा, एक मिनट रुकिए, I इज इक्वल टू कितना निकल गया वोल्टेज ड्रॉप निकालना है, वोल्टेज ड्रॉप V इज इक्वल टू क्या होता है I × R। तो I तो मेरा आ गया 2 और R जो है मेरा हर एक बार बोला गया ना हर एक रेजिस्टेंस के लिए, तो वहाँ पे क्या करेंगे मान पूर्ति करते जाएंगे 1 2 3 करके। तो यहाँ पे पहला का निकाल रहे तो हम R1 कर दिया, कितना दिया हुआ है 10 ओम दिया, मतलब क्या निकल जाएगा 20 वोल्ट। तो मतलब इस वाले रेजिस्टेंस के लिए जो मैं घेर रही हूँ, इस वाले रेजिस्टेंस के लिए वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा 20 वोल्ट होगा, ठीक है। सेकेंड की तरफ बढ़ते फिर वही I × R2 हो जाएगा, आपको समझ में आ रहा है V बराबर हो गया, ठीक है। I है 2 और मेरा R2 कितना दिया 15, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 15 × 30, ये 30 क्या होगा वोल्ट होगा, ठीक है। थर्ड है हमारा I है यहाँ पे, थर्ड है V बराबर हो गया I × R3, तो I है मेरा 2, R3 मेरा दिया हुआ 25, मतलब आंसर क्या हो जाएगा 50 या V है तो वोल्ट। और नेक्स्ट मेरा आंसर होगा नेक्स्ट वाला जो इसके लिए, इस वाले रेजिस्टेंस के लिए कितना वोल्टेज ड्रॉप है, तो V = I × R4, तो I मेरा 2 आया, R4 दिया है, 50 का मतलब क्या होगा 100 वोल्ट होगा। आप देखिए 100 वोल्ट हो गया ना, अब एक चीज आप गौर करिएगा, यहाँ 30 आया है, यहाँ 50 आया, 20 आया, यहाँ पे 100 आया, तो मेरा वोल्टेज में मैंने क्या बोला था यहाँ पे अलग बार जो है कि वोल्टेज ड्रॉप क्या करेगा अलग अलग रेजिस्टेंस में अलग अलग वोल्टेज ड्रॉप करेगा। तो आप मिलाकर देखो यहाँ पे 3 2 5, यहाँ पे 50 हो गया, यहाँ 50 हो गया, मतलब 100 हो गया यहाँ पे, ठीक है, और 100 यहाँ पे वोल्टेज, मतलब आप देख रहे हो टोटल को मिलाकर किया मेरा 200 वोल्ट निकल गया यहाँ पे। क्लियरली आपको समझ में आ रहा होगा आंसर, यहाँ मैं टोटल का निकाला वोल्टेज ड्रॉप दिखा के, और जो टोटल वोल्टेज आया मेरा क्या आया 200 वोल्ट आ गया। आई होप आपको मेरा क्लास समझ में आया हो, मेरे चैनल पे बने रहें और ढेर सारा वीडियोस को शेयर करें, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और
अगर किसी को दिक्कत है समझने में तो मुझे कमेंट बॉक्स के सेक्शन में कमेंट करें। सो बने रहें मेरे साथ मैं टेक्निकल अड्डा। थैंक यू।